जत देखा इंसान तो पाया उसमें राम, पाया उसमें राम, पाया उसमें राम। राम ना कोई व्यक्ति, ना किसी कहानी का पात्र, ना किसी धर्म का बंदी। राम तो वो है जिसकी व्याख्या कबीर, गुरु नानक और कई सूफी संतों ने की। राम वो चेतना, राम वो प्रीत जो हर जीव के मन में रहता है, जिसे इंसानियत कहा जाता है, जो हर इंसान को धर्म की राह पर चलना बताते हैं। पर हम सुनते नहीं, शायद सुन ही नहीं पाते। सत्ता और दुनिया के माया जाल में, ये वो माया जाल है जिसमें लालच के घंटे बजते हैं और नफरत के मजीरे बजते हुए सुनाई देते हैं। यहाँ इंसान इंसान नहीं रह गया है, बस एक पुतला बनकर रह गया है जो जन्म से मृत्यु तक दुनियावी डमरू में दरअसल नाचता रहता है। बस इतना सा है। आज ये सब कहानियां इसलिए हैं क्योंकि एक खबर है, जिस खबर को अगर बेखबर रह लिया जाए तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि बीते कई सालों से हमारे देश को इस खबर के तले देखा जा रहा है। खबर गुड़गांव की है। गुरुग्राम जो कि कल तक का गुड़गांव था, अब गुरुग्राम है। वहां पर एक मैदान है। मैदान में कई दशकों से कुछ मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन अब वो नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जमीन जिहाद है, ये लैंड जिहाद। वो अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते। ये किस भारत में हम रह रहे हैं? क्या ये उनका भारत नहीं है? क्या उन्होंने इस भारत के लिए खून नहीं बहाया? क्या 1947 में जब जाने का पूरी स्वतंत्रता थी, जाने की, आने की पूरी स्वतंत्रता थी, तब उन्होंने अपने भारत को ही अपना मुल्क माना, अपना देश माना, यहीं रहे, यहीं ठहरे, तो आज वो कौन है जो मेरे राम को बदनाम करने चाहते हैं, मेरे राम का नाम मैला करना चाहते हैं? हो सकती है कई कहानियां, हो सकती है कई बातें, लेकिन आज वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर प्रार्थना करने को गलत बताते हैं, अधर्म बताते हैं, लेकिन सड़कों पर कत्लेआम करने को वो धर्म की संज्ञा देते हैं? जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जहां पर प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, आपसी भाईचारा घट गया हो, मिट गया हो, मांगों से सिंदूर हट गया हो, बेटे के सर से पिता का साया समेट लिया गया हो, उस राज्य में वो राजा जिम्मेदार है। जिस राज्य में सब कुछ तहस नहस हो चुका हो, जिस राज्य में आग जलती नजर आती हो, जिस राज्य में सूरज उगते हुए के अलावा सूरज ढलता हुआ ज्यादा नजर आता हो, उजाला कम हो और अंधेरा ज्यादा हो, वहां पर वो राजा जिम्मेदार है। और वहां की प्रजा भ्रष्ट होगी, राजा भ्रष्ट होंगे, तंत्र खत्म होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो प्रसंग है जो रामायण में है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं ये हमको देखना होगा। क्या यह देश, यह मुल्क, यह राष्ट्र
सब कुछ संस्कृति के नाम पर क्या जलाया जा सकता है? क्या गाय के नाम पर एक इंसान को काटा मारा जा सकता है? क्या उसके पीछे जय श्री राम के नारे लगाए जा सकते हैं? क्या आज से 200 साल पहले जिन्होंने हम पर हुकूमत करी उसके लिए आज क्या मैं अपने साथी रहमान को दोषी ठहरा सकता हूं या रहीम को दोषी ठहरा सकता हूं? इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हम ये बोझ ढोकर इस देश का विकास कर सकते हैं? क्या हम आज भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई में पढ़कर क्या इस देश का नवनिर्माण कर सकते हैं? ये एक सवाल है। सवाल के दो रूपों में जवाब दूंगा, मेरा हिंदू रूप, मेरा मुस्लिम। आप देखिए, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अल्लाह आलमीन तो हमारी इस जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या हमने 9/11 नहीं देखा? क्या हमने 26/11 नहीं देखा? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी जहां इन्हीं मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर उस पर अपनी मस्जिदें बनाई? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी जहां इन्हीं मुसलमानों ने किस तरीके से हमारे संतों को मारा, किस तरीके से उनका कत्लेआम किया? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी जहां पर इन्हीं मुसलमानों ने हमारे सिख भाइयों को मारा? मैं एक कट्टर हिंदू हूं और ये हिंदुस्तान है, यहां सिर्फ हिंदू रह सकता है, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकता है। क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी जहां पर क्रिकेट में अगर पाकिस्तान जीतता है तो ये लोग जो हमारे देश में रहते हैं यहां का खाते हैं और बजाते पाकिस्तान का है, अगर पाकिस्तान की जीत होती है तो भारत में पटाखे फूटते? क्या हमने नहीं देखे? और अगर हमने ये सब देखा है, अगर हमने इस मुल्क में ये सब देखा है तो हम इनको क्यों रहने दे भला, क्यों रहने दे अपनी धरती पर? खाते यहां का है, गाते वहां का है। यहां पर गाय को काटते हैं ताकि हिंदू परेशान किया जा सके, हमारी आंखों के सामने हमारी माताओं को, हम जिसको माता मानकर पूछते हैं गाय को ये लोग काटते हैं और हम इनको यहां रहने दें? ये मुसलमान इस देश का हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते जब इनका मुल्क अगर काट कर भारत को दो टुकड़े कर इनको अगर पाकिस्तान दिया है तो ये वहां क्यों नहीं जाते? कब तक यहां रहेंगे? ये क्यों यहां का खाते हैं? ये ISIS में भर्ती होते हैं, आतंकवादी संगठनों में भर्ती होते हैं, बड़े बड़े आतंकी संगठन इनके मिलते हैं। क्या हमने नहीं देखा अफजल गुरु को, अफजल गुरु जिसने हमारी संसद पर हमला किया? क्या वो तस्वीरें हमने नहीं देखी? अगर ये सब कुछ हमने देखा है तो क्या हम शांत रह सकते हैं? एक कट्टर हिंदू के होने के नाते मैं हिंदुस्तान में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब ये लोग करते हैं और इस देश में, इस मुल्क में अब ये सब कुछ नहीं चल सकता। और अगर मैंने इतनी बातें कह दी हैं तो मेरा साथी भी अब कुछ बोल सकता है, मैं इसको सुनूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान तुमने बहुत बातें कही, तुमने सब कुछ समझाया, तुमने सब कुछ गिनाया, सब कुछ बताया, तस्वीरों का जिक्र तुम्हारी जुमा पर बार बार आया, लेकिन एक बात मैं भी पूछता हूं, क्या 1947 से पहले हम सब साथ नहीं थे? क्या हमारे बीच यही लड़ाई थी? क्या जो कुछ बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, क्या उसके लिए आज तुम मेरा सर तन से जुदा करोगे? क्या ISIS में जो चला गया, जो पिटा, मरा, कुटा, कटा, फटा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? क्या मैं तुम्हारा जोड़ीदार नहीं? क्या ईद तुम मेरे साथ नहीं मनाते थे? तुम मेरे घर से वहीं खाने नहीं आते थे? आज ऐसा क्यों है मेरे मुल्क में कि तुम हमें जमीन से यूं हटाते हो? हटाते हो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, कौन सी सरकार है जिसको तुम पटाते हो? पटाते हो बात तो ठीक है, तुमने पटाखों का भी जिक्र किया है, मैं भी वही जिक्र कर देता हूं। पटाखों का तुमने जिक्र किया है, मैं भी वही जिक्र कर देता हूं। अवसाद, अपवाद, दो शब्दों का यहां पर नाम ले लेता हूं। अपवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करके पूरे कौम को बदनाम कर जाते हैं, लेकिन अवसाद की बात करूं तो मैं अवसाद में आ जाता हूं। डर मुझे भी लगता है, मेरे घर पर अम्मी हैं, खाला हैं और मेरी पत्नी भी हैं, सब परेशान हो जाती हैं कि चंद लोगों की वजह से कहीं हमारे घर पर तलवारें ना चल जाएं। मेरे भाई जान, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, बचपन में जब छोटा था तो मैं भी रामायण देखता था, मैं भी राम की कथाएं सुनता था, मैं भी सब कुछ देखता था, मैं भी महाभारत देखता था। कभी नहीं पता था ये मेरे धर्म में लाजमी नहीं, कभी नहीं पता था कि जब हनुमान ने सीना चीरा था तो उसमें राम दिखे थे। आज तो लगता है कि सीना हनुमान चीरते हैं तो उसमें तलवारें नजर आती हैं। क्यों है मेरा मुल्क ऐसा? आज
क्यों इसको किया जा रहा है ऐसा? आज एक बार हाथ तो बढ़ाओ, केसरिया मेरे पास तो लाओ। हरा रंग तुमको ऐसा लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, दरअसल तुमने जबरदस्ती मुझे दिया हुआ है। आज देश में, मुल्क में, मुल्क के जो शासक हैं वो कहते हैं कि इन्हें कपड़ों से पहचानो। क्या है मेरे कपड़े? मैं भी तो वही रेमंड पहनता हूँ, मैं भी तो वही शर्ट पहनता हूँ, वही पैंट पहनता हूँ। मेरी क्या गलती है? अगर तुम कहते हो कि तुम विदेशी हो, मैं काहे का विदेशी हूँ? इसी हिंदुस्तान की धरती पर मैंने जन्म लिया, इसी हिंदुस्तान की धरती पर मरना चाहता हूँ, मैं काहे का विदेशी हूँ? अगर 1947 में मैं पाकिस्तान नहीं गया तो ये मेरी भूल है, बिल्कुल भूल नहीं है। ये उतनी ही मेरी भूमि है, उतनी ही मेरी मातृभूमि है, उतना ही मेरा राष्ट्र है, उतना ही मेरा देश है। देशभक्ति की बात तुम क्या करते हो यार? देशभक्त क्या हमारे यहाँ नहीं? मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी चिढ़न नहीं इस बात से कि तुम अजमल कसाब का नाम लेते हो। एक दफा क्या, 1000 बार लेते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन क्या कटघरे में कहीं APJ अब्दुल कलाम तो खड़े नहीं हो जाते? क्या अबुल कलाम आजाद तो खड़े नहीं हो जाते? इस बात का मुझे दुख है कि आज मेरे भारत में कहीं ये सब कुछ तो नहीं होने लगा। इस बात का मुझे दुख है। कई दशकों से हम आज तक नमाज पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज क्यों ऐसा हुआ कि आज जब हम नमाज में होते हैं तब आज आप तलवार में होते हैं? कल तक तो ये बातें होती थी, हम सब मिलकर साथ में कहते थे कि वो नमाज में थे और दुआ हमारी कबूल हो गई। आज हम ये देखते हैं कि हम नमाज में होते हैं और आप पीछे से तलवारों में, साए में उसको लेकर होते हैं। क्यों? वो ये छोटी सी एक नाट्य कथा के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि दोनों ही पक्ष अपने आप को अपनी जगह पर देख सकते हैं, सही समझ सकते हैं, लेकिन यकीन करिए जो लड़ाई है वो सिर्फ सियासत की है। जब चुनाव पास आते हैं तो उस हवा जो है उसमें कई सियासी गिद्ध मंडराते हैं जो इसको और इसको अलग करके वोट पाना चाहते हैं, जबकि ये दोनों रंग एक ही हैं। और इनके बीच में जब शांति का प्रतीक मतलब सफ़ेद रंग मिलता है तब ये हमारे भारत के तिरंगे का निर्माण करता है, ये हमारे भारत का निर्माण करता है। ये छोटी सी नाट्य कथा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये क्या है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये क्या है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो बुरे कर्म करता है वो इंसान बुरा है। इसलिए गुरुग्राम से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको मात्र एक स्टोरी या मात्र एक खबर के माध्यम से बता सकता था, लंबी लंबी बातें कर सकता था, 4 पैनलिस्ट बैठा कर उस पर ज्ञान की वर्षा कर सकता था, लेकिन इसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता जब तक हम खुद से समझने की कोशिश ना करें। कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, ये सिर्फ और सिर्फ एक देश को गर्त में ले जा सकते हैं। इस्लामीकरण की बात होती है, क्या हमने इस्लामिक मुल्कों का हाल नहीं देखा? आज पूरे इस्लामिक मुल्क जल रहे हैं, जो कल तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, सब जल रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष रहने दें, इस राष्ट्र को इसी तरह से रहने दें जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आएं और सब एक साथ इस राष्ट्र को बनाने में योगदान दें, सब इस राष्ट्र का एक निर्माण करें। बाकी गुरुग्राम की कहानी क्या कुछ है इसको छोड़कर आपके साथ जाता हूं। थोड़ा समझिएगा और उन लोगों को भी देखिए, वो पुलिस वाले, वो प्रशासन के लोग जो आज भी खड़े हैं और भारत की जो परिकल्पना है उसको बनाए हुए हैं। जब आप लोगों को पहले, क्या आपके जिला प्रशासन ने आपकी जो शिकायत थी वो डिसाइड कर दी है? हमारे आपने 3 दिन पहले एक शिकायत दी है वहाँ पे, आपने जिला प्रशासन से 4 सवाल उसके अंदर पूछे, समाचार पत्र में आ गया कि कोई स्थान निर्धारित नहीं किया पुलिस ने, आगे SCP साहब की तरफ से है, पुलिस कमिश्नर साहब से अगर आप बड़े हैं, अगर पुलिस कमिश्नर साहब से आप बड़े हैं तो हम तो आपकी बात मान लेंगे। मैं आपको एक बात बोलूं, आप बात सुन लीजिए, बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस कोई इजाजत नहीं, ना ही देती है ना ही दे रखती है, इसलिए जिन जगहों को चिन्हित कर रखा है उनको भी प्रशासन, जिला प्रशासन देता है, पुलिस प्रशासन नहीं देता। मैं क्लियर कर दूं? नहीं सर, आप बार बार उससे हमारे से संबंधित कुछ चीजों को लेकर आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। उस बैठक के अंदर आपसे पुलिस कमिश्नर साहब भी थे, DC साहब भी थे और हम स्वयं भी थे, हिंदू संगठन के लोग भी थे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, और तय ये हुआ था जो स्थान निर्धारित हुए थे कि अगर उसके बाद स्थान निर्धारित कर दिए वहाँ पर आप अपनी
नमाज अदा करें, लेकिन अगर स्थानीय लोग विरोध करते हैं, ये तय हुआ था वहाँ पर कि अगर स्थानीय लोग वहाँ पर विरोध करते हैं तो दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया था, मुस्लिम ने भी और हिंदू ने भी, कि वहाँ पर वो नमाज अदा नहीं। एक बात आपने क्लियर कर दी कि जो मीटिंग हुई थी जिला प्रशासन की, उसके अंदर ये खुद शामिल थे, बिल्कुल, और उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर स्थानीय लोगों को आपत्ति होगी तो उसका समाधान किया जाए, उसका वो नमाज नमाज अदा नहीं होगी, नमाज नहीं करी जाएगी जी, नमाज अदा नहीं की जाएगी, और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माना। सुनिए मेरी बात, तो मेरा एक मिनट, आप लोगों के स्थानीय लोगों का विरोध जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है, तो बेहतर ये होगा कि आप उन्हीं से इस बात के अंदर क्लैरिटी लें कि ये चीज निर्धारित हुई थी और लोगों को इसमें इसमें दिक्कत है, आपत्ति है, आप इस चीज को तो ये चीज दोनों समुदाय की तरफ से होगी ना जी, नहीं आपत्ति आप लोगों को है ना, वो तो उनको तो खुद देखेंगे, अगर वो ना भी माने तो जिला प्रशासन का फैसला। भैया इधर आना, वो शहजाद जी कहाँ हैं आपके, एक मित्र इनसे बात कर लें, शहजाद जी कहाँ हैं, तो कौन कौन है यहाँ पर आपका प्रतिनिधि, कौन है वो, कोई आपसे बात करना चाहे ना करना चाहे वो उनकी मर्जी है, पूछ तो रहे जी, हम कौन सा फांसी तोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अच्छा लोगों के प्रतिनिधि आ जाए, हो सकता है हमारी बात बढ़ जाए, आपकी बात नहीं बनेगी, बात नहीं बना देंगे हम तो, अगर नहीं बनेगी तो घर चले जाएंगे अपने, ऐसा नहीं पूछने में क्या दिक्कत है, कोई प्रतिनिधि आपका भाई है, कोई ऐसा आदमी कौन है यहाँ पर, अगर भाईचारे से बैठ के बात करें, वही कर रही होती, वही प्रयास, वही प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे प्रयास को बदल सकते हैं, इसमें क्या है, विरोध है ठीक है, लेकिन उस प्रयास को बदल के देख लेते हैं, आप लोग भाई है कोई आपका, प्रशासन से अपना विरोध दर्ज करा रहा है, करने दो, बंद करवाएंगे, बंद हो जाएगा, आ गया इधर आ जा, मेजोरिटी के लिए पुलिस नहीं आया, माइनॉरिटी के लिए पुलिस, मेजोरिटी माइनॉरिटी के लिए सबके लिए, सर वही ये पता होना चाहिए, बोल क्या रहे हो सर, वही सभी के लिए बराबर है पुलिस, नहीं है ना सर, आप उसको सामुदायिक रंग ना देने की कोशिश कर रहे हैं, रंग नहीं दे रहे सर, अगर कोई गलत कर रहा है किसी चीज को तो आप उसको सही देखने के लिए हम खड़े हैं, जब जिला प्रशासन की मीटिंग के अंदर ये चीज डिसाइड हुई थी कि लोगों को आपत्ति होगी तो उस चीज वहाँ पे हम बंद करवाएंगे, होगा कि जिस जिला प्रशासन की मीटिंग के अंदर जगह चिन्हित गई थी, आपने उनको शिकायत दी है, नहीं दी है, दोबारा मिल लो, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, हम दिलवा देते हैं, डिसाइड कर लो उस चीज को बैठ के, यहाँ पे आके खड़ा करके ना तो हम बंद करवा सकते हैं ना आप, क्योंकि एक चीज चली थी और वो लोगों की सहमति से, जिला प्रशासन की सहमति से चली थी, आप लोगों की पहले रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, 100% डिसाइड होगी, एक दिन का अगर आप लोगों को नहीं है तो जिला प्रशासन से हम वक्त ले लेते हैं, बैठ के मीटिंग करके डिसाइड करो उस चीज को, शिक्षा केवल एक दिन के लिए रिप्रेजेंट हूं आपको, केवल एक दिन के लिए यहां पे जो है स्थान निर्धारित किया था कि केवल एक ऑन रिकॉर्ड सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपको बेहतर ये रहेगा प्रशासन के साथ बैठ करके अपने मुद्दे को, जो लोगों का विरोध है उन तक पहुंचा करके उसको डिसाइड करवा ले, यहां पे खड़े होने से सर बिल्कुल भाईचारा और माहौल खराब होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होनी है जी, तो भाईचारा खराब ना, हम तो आपका बड़ा सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं सर जी, बड़े सम्मान से आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि इन्होंने जो एक दिन के लिए जो आदेश मिला था ना, उस एक दिन के आदेश की आड़ में इन्होंने निरंतर उस काम को जारी रखा, और हमने अपने मौखिक रूप से भी कहा कि भाई आप ना करो अदा, ना करो ना करो, अब जब ये लोग नहीं माने तो हमने आपका भी माध्यम आपको भी चुना, और हम यहाँ पे अपनी बात पीड़ा रखने के लिए आ गए हैं, मैं आपको फिर वही बात, अगर आपको लगता है कोई समाधान बीच का है, हम आपकी बात मान लेंगे, वो दिन एक दिन के लिए डिसाइड हुआ था, आप रुकिए, निकल रहे जी, एक दिन के लिए निर्धारित हुआ था सर, अरे रुकिए भाई, 18 मई 2018 के लिए था सर, एक दिन के लिए सर, आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाए इसलिए कह रहे हैं, ताकि आप भी अपनी बात आगे बताएं, तो इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है 18/5/2018 को ही की थी, ठीक है आपने बता दिया, पढ़ पढ़ तो लो, तो मैं इस चीज के लिए यही बता रहा हूँ, जिन लोगों ने दिन आप ही हमारे लिए तो नहीं हम अपनी तरफ से कागज भी दिखा रहे हैं, उसके बाद भी हमें सुनिए मेरी बात, आप जो भी सेक्टर के जो भी अभी नुमाइंदे आए हैं या फिर जो भी इलाके से जो भी लोग इकट्ठे हुए, मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले जिला प्रशासन के बैठने से ही के साथ बैठ करके ही हमने चीज चिन्हित की थी, चाहे वो एक दिन के लिए थी या वो लंबे समय के लिए थी, जो आप कह रहे हो एक दिन के लिए, और वो लगातार कंटिन्यू हो रही है, या फिर आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर आपत्ति है, बेहतर है कि दोबारा उनके साथ बैठ करके इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लिया जाए, आपने ऑलरेडी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उनको, आपको खुलासा को बुलाएंगे, अगर आप लग रहा है कि नहीं तो जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, हम बैठ के निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हम तो आपकी बात में फूल चढ़ा देंगे, जिसको भी निर्धारित करेंगे हम एक मीटिंग निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भीड़ के तरीके से नहीं, पहले जिस तरीके से लोग सब ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के बात की थी उसी तरीके से बात हो जाए, तो ऐसे आपको डेट बता दूंगा कि हमारी कहां पे मीटिंग निर्धारित हुई है, कौन कौन उसके अंदर नुमाइंदे, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, हम आपकी बात पे एग्री करते हैं, आप कह रहे हो आप मध्यस्थता करोगे,
हम तैयार है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चले जाएंगे, दो तीन दिन के अंदर इसको कर लो, अदरवाइज क्या है कि मंगलवार बुधवार के एक मूवमेंट ही तैयार होगी। आज हम मान लो 50 आदमी है तो कल अगली बार 250 होंगे। मतलब से कोई फैसला नहीं होता, फैसला नहीं होता, नहीं बात बता रहा हूँ। देखो आवाज तो उठाई जाएगी, तनाव पड़ता है इसमें, आवाज आवाज की जो भीड़ों की है उसके दबाव की जरूरत है, तो उसके खिलाफ बेहतर आवाज जो है वो आप लोगों ने अपने सही तरीके से जायज तरीके से लिख के उठा रखी है। हम सोम मंगल बुध के अंदर एक डेट जिला प्रशासन से बात करके निर्धारित कर लेते हैं, उसमें बैठ के इस चीज के ऊपर फैसला हो जाएगा। मैं जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।